हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं बहुत टाइम में ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरे स्कूल के कमीने दोस्त आए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कितने कमीने हैं और कैसे वो रेडी हो रहे हैं। जहाँ पर हमें जाना है मेरे भाई की शादी में, वहाँ हम पहुँच गए हैं। एक से मैं मिल रहा हूँ 10 साल के बाद, एक से मैं मिल रहा हूँ 5 साल के बाद। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो ये हैं हमारे दोस्त, क्योंकि एक दिल्ली से आया है और एक गाँव से आया है। अब मैं भी गाँव से आया हूँ, लेकिन मैं हल्द्वानी चले गया हूँ। ये देखो, ये है मेरा स्कूल का दोस्त, इसका नाम है देवेंद्र। और ये है सुरेश भाई, इससे मैं मिल रहा हूँ 10 साल के बाद, और इससे मैं मिल रहा हूँ 5 साल के बाद। और ये हमारी धन्नो, जिसने हमारा पूरा साथ दिया यहाँ तक। और पहाड़ का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त था, आप देखो कितना बढ़िया लग रहा पहाड़। ये है मेरा पहाड़, स्वर्ग से सुंदर पहाड़। और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है, वरना कल तक इतनी बारिश हो रही थी। आज थोड़ा मतलब हमने भी कुछ अच्छे कर्म करे होंगे, और जिसकी मेरे भाई की शादी उसने भी कुछ अच्छा देखा होगा, तो मौसम एकदम बढ़िया है। अब मजा आएगा डांस करने में। लेकिन परेशानी ये है हम तीनों में, हम दोनों के पास है बैग, एक ही बैग है। अब कौन बैग को पकड़ेगा ये हमने वो करना है, तभी डांस हो पाएगा, क्योंकि बैग में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने मुझसे कहा था बोतल लेके आना, तो मैं बोतल लाया हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको बोतल, क्योंकि मैं पीता नहीं हूँ, मुझे अंदाजा नहीं है ज्यादा बोतल का। खोल तो भाई, इसको खोल तो जरा, इसमें है बोतल, इस वाले में है, एक बॉक्स में होगा। तो और खुल रहा बोतल, बहुत खतरनाक बोतल में लेके आया हूँ। नहीं इसमें नहीं, इसमें बॉक्स हो गया, बॉक्स था यार, एक बॉक्स है, इसमें बॉक्स आ गया। कहाँ गया रहो, दिखता रहा है बॉक्स, पीछे तो नहीं है, इस वाले में, इसमें अपना मुंह डाल दिया, बैग सब भर गया है। रुको अच्छे से मैं निकाल लेता हूँ पहले। ये निकल रहा है बॉक्स, ये आ गया बॉक्स, ये है बॉक्स। लो भैया, तुम्हारी बोतल आ गई, आप इसे खोल के देख सकते हैं बोतल को। ऐसा खुलेगा डिब्बा, यहाँ से खुलेगा, ये है बोतल। इन्हें 4 बोतल मंगाई थी, मैं 4 की 4 बोतल आया हूँ। और ये सेंट है दोस्तों, क्योंकि मैं पीता नहीं हूँ, इसलिए आप अपने अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो दोस्तों निकल पड़े हैं हम लोग अपने भाई की शादी के लिए। और ये देखिए, ये मैं हूँ, ये भी दूसरा है, ये तीसरा है। तो चलते हैं और थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखाऊंगा शादी का माहौल कैसा होता है गांव में। और मौसम तो काफ़ी झकास हो गया, मज़ा आ गया। बारात जा रही है हल्द्वानी, और मैं हल्द्वानी से ही हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से 5-6 किलोमीटर ऊपर है बारात। तो मैं पहले गांव आया, गांव से फिर सारा काम किया, तो मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मौसम ख़राब था। अब मैं सीधे आपको दिखाऊंगा, चलिए सीधे वहीं मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहाड़ की रोड ऐसी होती है, और ऐसे ऐसे पहाड़ हैं, ये देखिए ऊपर को। अरे मैं हूँ, और ये जबरदस्त रोड है अभी। अरे बाप रे, गाड़ी भी ऐसी हो रही ना, क्या बताऊँ। ये देखिए, ये है सिलिंगी, गाँव का नाम है सिलिंगी। और इससे टॉप में है हमारा स्कूल, जहाँ मैंने स्कूल पढ़ा। ये सामने गाँव है, और बहुत सालों बाद मैं खुद आ रहा हूँ, आज 4 से 5 साल बाद मैं आ रहा हूँ। और बढ़िया सर, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, बादल पहाड़ के ऊपर हैं। और शादी के घर हम लोग पहुँचने वाले हैं, ऐसी ये गांव में प्यारे प्यारे घर हैं, छोटे छोटे। और मोड़ देखिए, जिसने पहाड़ में गाड़ी चला ली वो कहीं भी गाड़ी चला सकता है, और मैं खुद नहीं चला पाया गाड़ी यहाँ, क्योंकि मुझे आदत नहीं है। मोड़ इधर से देखो, उधर से देखो, बड़ा दिमाग ख़राब हो जा रहा है। तो हमने उसी को चलाने को दिया जिसको गाड़ी आती है। चलिए मिलते हैं वहीं सिलिंगी, 1 किलोमीटर बचा हुआ है, ये उसका बोर्ड आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है सिलिंगी, हाँ सिलिंगी। चलिए मिलते हैं। तो ये है लक्ष्मण अनीता, सारी गाड़ियाँ इधर लगी हुई हैं। ये देखिए, सारी गाड़ियाँ इधर हैं। ये चल पड़े हम पैदल पैदल, चलो चलो, दोनों के सेम जूते, ये वाह, आराम से दूल्हे के हैं हम भाई। ये दोस्तों बारात का घर, गेट आ गया, आ गया बारात का घर, आ गया रे, आ गया। ये फाइनली पहुंच गए बारात के घर में। चलो
किसी को। फ्रंट में एकदम बधाई हो।
तो दोस्तों फाइनली मैं घर पर आ गया हूँ और बहुत थक गया हूँ। सॉरी पूरी बारात में आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो गया था और फिर मुझे घर को भी आना था, तो जितना हो पाया मैंने आपको ब्लॉग में भाई के साथ ही दिखाई। तो आप लोग इस ब्लॉग को एंजॉय करिए, देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। गुड नाइट।